Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in my YouTube channel, The English Club SRES. I'm MS sir and in this video I'm going to teach you a very special root word that is poly. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो रूट वर्ड बताने जा रहा हूँ वो पोली है, बहुत ही सुंदर रूट वर्ड है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं पोली के बारे में। स्टूडेंट्स याद रखेंगे पोली एक रूट वर्ड है, पोली इज अ रूट वर्ड। तो पोली एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है मेनी या मल्टीपल। तो रिमेंबर डियर फ्रेंड्स, पोली इज अ रूट वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज मेनी और मल्टीपल। तो पोली एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है मेनी या मल्टीपल। हिंदी में इसको हम लोग बहुत बोलते हैं। कहने का मतलब यह है जिस भी वर्ड में पोली अटैच हो जाएगा वो वर्ड मेनी से संबंधित हो जाएगा, या जिस भी वर्ड में पोली अटैच हो जाएगा वो वर्ड बहुत हो जाएगा, उसका संख्या बहुत हो जाएगा। तो चलिए हमारे पास कुछ वर्ड है। चलिए हमारा पहला वर्ड है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन। चलिए फर्स्ट वर्ड पर चर्चा करते हैं, पॉलीगॉन। देखिए पॉलीगॉन में पोली है, पोली मीन्स अधिक, पोली मीन्स मेनी हो जाएगा। तो पोली मीन्स मेनी, बहुत, गॉन मीन्स अगर पता चल जाए तो बात बन जाए। तो याद रख पोली मीन्स मेनी, और याद रखेंगे ये जो गॉन है GON गॉन, इसका मतलब होता है साइड या एंगल, भुजा या कोण। तो ऐसा फिगर, ऐसा चित्र जिसमें है ना बहुत साइड हो, अनेक साइड्स हो, अनेक एंगल्स हो, उसी को हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे इसका हो जाएगा अ फिगर हैविंग मेनी साइड्स और एंगल्स। तो ऐसा फिगर जिसमें बहुत अधिक साइड्स हो या एंगल हो, उसी को हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं, और इसको हिंदी में बहुभुज बोलते हैं, मैथमेटिकल टर्म है ये। तो याद रहे पॉलीगॉन इज मेड बाय टू वर्ड्स, पॉलीगॉन दो चीजों से मिलकर बना, पॉली प्लस गॉन। पॉली मीन्स मेनी, बहुत, गॉन मीन्स भुजा, साइड। तो जिसमें ऐसा फिगर, ऐसा चित्र जिसमें बहुत साइड हो, बहुत भुजा हो, वो पॉलीगॉन कहलाता है। अ फिगर हैविंग मेनी साइड्स, ऐसा फिगर जिसमें अधिक, बहुत साइड्स हो, भुजा हो, एंगल्स, कोण हो, उसी को पॉलीगॉन बोलते हैं, हिंदी में इसको बहुभुज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड में हम लोग चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स हमारा अगला वर्ड है पॉलीनोमियल। देखिए यहां पर पॉलीनोमियल, पॉली, पॉली मीन्स मेनी, पोली मीन्स बहुत। मैंने कहा था जिस भी वर्ड में पोली अटैच हो जाएगा वो वर्ड बहुत हो जाएगा। तो पोली जो है किस में अटैच हुआ, नोमियल में, ये नोमियल बहुत हो जाएगा। तो पहले जानते हैं नोमियल मीन्स होता क्या है। तो याद रहे पोली मीन्स बहुत, और ये जो नोमियल वर्ड है एक्चुअली ये नोमियन से आया है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका अर्थ होता है, ये जो नोमियल है इसका अर्थ होता है नेम, नाम, याद रखेंगे। तो पोली मीन्स क्या हो गया, पोली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स नाम। तो याद रहे तो पोली मतलब बहुत हो गया, नोमियल मीन्स नाम। तो बहुत नामों वाला मतलब ऐसा चीज जिसका अनेकों नाम हो, है ना, वो पॉलीनोमियल कहलाता है। तो हो जाएगा हैविंग मेनी नेम्स, तो अधिक नाम रखने वाला पॉलीनोमियल कहलाता है। जब एक ही चीज का अधिक से अधिक नाम हो वो पॉलीनोमियल कहलाएगा, याद रखेंगे हैविंग मेनी नेम्स। तो पॉलीनोमियल कौन है, जो अधिक से अधिक नाम रखता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। हमारा अगला नंबर है पॉलीएंडिडियम। डियर स्टूडेंट्स इसमें देखिए पॉली, पॉली मीन्स क्या हो जाएगा, बहुत, पॉली मीन्स मेनी, एंडेडियम मीन्स अगर पता चल जाए तो बात बन जाए। तो याद रहे पॉली मीन्स मेनी, बहुत, एंडेडियम, ये जो एंडेडियम वर्ड है एक्चुअली ये एंड्री से आया, याद रखेंगे ये जो एंडेडियम वर्ड है ये एक्चुअली एंड्री से आया है, और याद रखेंगे ये जो एंड्री है ये एक रूट वर्ड है और इसका अर्थ होता है मैन। तो याद रहे मर्द के लिए एंड्री का प्रयोग होता है। यही पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे, एक वर्ड है गायनी,
या फिर जिस तरह एंड्री मैन के लिए यूज होता है उसी तरह गायनी की अगर बात करेंगे तो गायनी है ना वुमन के लिए यूज होता है, औरत के लिए यूज होता है। तो याद रहे एंड्री मीन्स क्या होता है मैन, गायनी मीन्स क्या होता है वुमन। तो यहां पर है पोली, पोली मीन्स क्या हो गया मेनी, एंड्रियम क्या हो गया एंड्री से आया, एंड्री मीन्स मैन मर्द, तो पोली मीन्स बहुत हो गया, एंड्रियम एक तरह से यहां मर्द के लिए यूज हुआ है तो मेनी मैन्स एक तरह से बोल सकते हैं। पोली मीन्स बहुत, एंड्रियम एंड्री से आया, एंड्री मतलब मैन, तो याद रहे हैविंग मेनी मैन्स तो अधिक मर्द जाति का होना पोली एंड्रियम कहलाता है। लेकिन यही अगर लेडी की बात करेंगे तो यहां पर गायनी वर्ड यूज कर देंगे हम लोग। तो बाय द वे पोली एंड्रियम का मतलब होता है Having many men, तो अधिक लोगों मर्द का होना पोलिएंड्रियम कहलाता है। एक्चुअली प्राचीन समय में पोलिएंड्रियम एक टर्म हुआ करता था एक ऐसे ब्यूरियल ग्राउंड का, एक ऐसे कब्रिस्तान का जहां पर मर्द जाति को दफनाया जाता था। और ये मॉडर्न वर्ड भी एक तरह से इसको, जैसे ऐसा ऑडिटोरियम जहां की जो केवल मर्द के लिए हो, एक ऐसा जगह जो केवल मर्द के लिए हो, तो मर्द लोगों का सिर्फ बैठने के लिए डिस्कशन करने के लिए बात करने के लिए जो जगह होगा वो एक्चुअली क्या कहलाएगा पोलिएंड्रियम कहलाएगा। तो हैविंग मेनी मैन हो जाएगा, याद रखेंगे। तो पोली मीन्स मेनी, एंड्रियम एक्चुअली एंड्री से है, एंड्री मीन्स मैन, तो पोली मतलब बहुत, एंड्रियम मैन के लिए यूज हुआ, तो हैविंग मेनी मैन्स। पोलिएंड्रियम वह जगह है जहां पर अधिक से अधिक मर्द जाति लोग बैठते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड को हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला वर्ड है पोलीस्कोप। पोली मीन्स क्या हो जाएगा मेनी, तो पोली मीन्स हो गया मेनी, स्कोप मीन्स अगर पता चल जाए तो बात बन जाए। तो याद रहे स्कोप जो ये टर्म है, ये स्कोप टर्म एक्चुअली व्यू के लिए यूज हुआ है, नजारा जिसको बोलते हैं हम लोग, या दृष्टि। तो याद रहे पोली मीन्स बहुत हो गया, स्कोप मीन्स हो गया व्यू, नजारा, दृष्टि जिसको हम लोग बोलते हैं। और यही स्कोप के मदद से आप देखे होंगे बना है टेलीस्कोप, मैक्रोस्कोप। तो याद रहे टेले, टेले भी एक रूट वर्ड है, टेले का अर्थ होता है दूर, तो स्कोप मतलब व्यू, नजारा, जो दूर का नजारा आपको दिखा देता है वो टेलीस्कोप है, हिंदी में इसको दूरबीन बोलते हैं। तो टेलीस्कोप, स्कोप मीन्स क्या होता है व्यू, नजारा, टेली मतलब दूर, तो दूर के नजारा को जो आपको दिखा दे वो टेलीस्कोप है, याद रखेंगे। अगला मैक्रोस्कोप, मैक्रो मतलब होता है छोटा छोटा, स्कोप मतलब व्यू, मतलब छोटे छोटे चीजों को जो आपको व्यू करा दे, दिखा दे, छोटे छोटे चीजों को जो आपको व्यू करा दे, दिखा दे, वो क्या कहलाता है मैक्रोस्कोप कहलाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो बाइक में हम टेलीस्कोप या मैक्रोस्कोप की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे पॉलीस्कोप की। पॉली मीन्स होता है बहुत, स्कोप मतलब होता है नजारा, तो इसका हो जाएगा हैविंग मेनी व्यूज, बहुत अधिक नजारा का होना वो पॉलीस्कोप कहलाता है। पॉलीस्कोप एक्चुअली एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार का यंत्र है जिसके मदद से बॉडी के अंदर छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा पार्ट्स को या चीजों को देखा जाता है, एक्टिविटीज को देखा जाता है। तो टेलीस्कोप का काम सिर्फ और सिर्फ है दूर के चीजों को देखना, माइक्रोस्कोप का काम है छोटे छोटे चीजों को देखना है सिर्फ, लेकिन पॉलीस्कोप क्या कर सकता है बड़े चीज छोटे चीज हर चीजों को वो देख सकता है, तो हैविंग मेनी व्यूज हो जाएगा पॉलीस्कोप। चलिए नेक्स्ट वर्ड में हम लोग चलेंगे, हमारा अगला वर्ड है पॉली पॉली, यूनिक वर्ड है, बहुत ही सुंदर वर्ड भी है पॉली पॉली। चलिए देखिए इसमें पॉली पॉली की अगर बात की जाए तो पॉली पॉली इसमें डबल पॉली है, पॉली मीन्स क्या होता है बहुत, फिर पॉली मीन्स होता है बहुत, तो याद है पॉली मीन्स होता है मेनी, अब पॉली मीन्स होता है मेनी या मल्टीपल बोल सकते हैं। तो बहुत बहुत कहने का मतलब किसी भी चीज का संख्या बहुत बहुत हो, मतलब बहुत अधिक हो, कोई भी चीज चीज का जो संख्या है वो बहुत बहुत हो, बहुत अधिक हो, वो पॉली पॉली कहलाता है। जैसे मार्केट में सब पहले मार्केट में सब्जी बेचने वालों की संख्या मात्र दो या चार था, लेकिन अब देखते हैं क्या कि मार्केट में अब कम 100+ व्यक्ति अब जो है वो सब्जी बेच रहे हैं, तो अब क्या हो रहा बहुत बहुत लोग बेचने वाले हो गए हैं,
तो ये पॉली पॉली कहलाएगा। जैसे पूर्णिया में एक समय में 2, 4, 10 कोचिंग हुआ करता था, लेकिन आज 500+ कोचिंग्स हैं। तो कोचिंग कोचिंग बहुत अधिक संख्या में ये पॉली पॉली कहलाएगा। स्पेशली ये सेलर के लिए यूज होता है, जब किसी भी चीज का सेल्समैन का संख्या बहुत ज्यादा अधिक हो तो वो पॉली पॉली कहलाएगा। तो याद रहे, इसका अर्थ हो जाएगा जाएगा हैविंग मेनी सेलर्स। तो बहुत अधिक सेलर्स का होना पॉली पॉली कहलाता है, याद रखेंगे। जैसे कोई बोलेगा, कोई पूछ लेगा आपसे कि जैसे आप अगर सब्जी बेचने वाले हो, तो आपको कोई पूछ लेगा भाई जी कितना कमाई हो जाता आजकल। तो वो सब्जी बेचने वाले आपको बताएंगे कि एक समय था जब बहुत अधिक कमाई होता था, क्योंकि हम 2-3 आदमी ही सब्जी बेचते थे, और जो भी सब्जी खरीदने आता था तो हम ही दोनों के पास लेता था, कोई ऑप्शन था नहीं। अब तो पोली पोली हो गया है, उतना कमाई नहीं हो पाता है। तो पोली पोली हो गया है मतलब सेलर्स का संख्या क्या हो गया, बहुत अधिक हो गया है। तो हैविंग मेनी सेलर्स हो जाएगा पोली पोली, बहुत सुंदर वर्ड है। चलिए तो नेक्स्ट नंबर पे हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर है पोली स्टियोटिक। तो पोली स्टियोटिक हमारा अगला वर्ड है। पोली मीन्स होता है बहुत, स्टियोटिक का मतलब अगर पता चल जाए तो बात बन जाए। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, यहां पर पोलीमीन्स होता है मेनी, और स्ट्योटिक का अर्थ एक्चुअली होता है बोन। तो स्ट्योटिक का अर्थ होगा बोन। तो पोलीमीन्स हो गया मेनी बहुत, और स्ट्योटिक का अर्थ होता है बोन हड्डी। तो याद रहे हैविंग मेनी बोन्स या हैविंग मेनी मेनी बोन्स ही बोलेंगे। पॉलीस्टियोटिक, पॉली मीन्स मेनी, स्टियोटिक का अर्थ हुआ बोन। तो हैविंग मेनी बोन्स, तो याद रहे अधिक हड्डी का होना या शरीर में बॉडी में एक्स्ट्रा पार्ट होना। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मेरे शरीर में अधिक हड्डी है, तो आई थिंक जितने भी मानव जाति हैं, जितना भी लोग है, सभी के शरीर में हड्डियों की संख्या इक्वल होती है, शरीर के पार्ट्स का संख्या भी इक्वल होता है। मेरे 2 हाथ हैं तो आपके भी 2 हाथ हैं, नहीं मेरे 2 पैर हैं तो आपके भी 2 पैर हैं, मेरे 206 हड्डी हैं तो आपके भी 206 हड्डियां हैं, नहीं। लेकिन हम में से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे मेरा एक हैंड में, एक हाथ में 5 उंगली है, तो आई हैव 5 फिंगर्स इन माई हैंड, मेरे हाथ में जो है 5 उंगली है। लेकिन कुछ ऐसा भी व्यक्ति है जिसके हाथ में 5 नहीं 6 उंगली हो जाता है, 7 फिंगर्स हो जाता है। तो याद रहे वो एक्स्ट्रा बोन है उसमें। तो शरीर में एक्स्ट्रा बोन्स का होना, हैविंग एन एक्स्ट्रा बोन्स बोन, तो याद रहे शरीर में एक्स्ट्रा बोन का होना, हड्डी का होना एक्चुअली है पॉलीस्टियोटिक है, याद रखेंगे हैविंग मेनी बोन्स। और जैसे आप अगर बात करोगे एक्टर का ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन का अगर हाथ देखोगे तो 6 फिंगर्स हैं उसको, तो क्या है उसका, एक तरह से पॉलीस्टियोटिक है वो। ऋतिक रोशन क्या है, पॉलीस्टियोटिक, क्योंकि उसके शरीर में हड्डी का संख्या अधिक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है पोलियोपिया। याद रहे पोलियो या पोली, पोली का मतलब होता है मेनी, आप अच्छी तरह से जानते हैं पोली मीन्स मेनी। तो पोली मीन्स मेनी। ओपिया, ओपिया का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा मायोपिया, ये एक्चुअली आंख से संबंधित टर्म है। तो ओपिया का अर्थ होता है आई, एक्चुअली आई मीन्स आंख। तो याद रहे पोली मीन्स क्या होता है, मेनी, पोली मीन्स मेनी, ओपिया मीन्स आई। तो पोली मीन्स मेनी, ओपिया मीन्स आई, आंख। तो याद रहे इसका हो जाएगा हैविंग मेनी आईज, अधिक आंखों का होना पोलियोपिया कहलाता है। याद रहे जैसे हम लोगों का 2 आंख है तो नॉर्मल है हम लोग, लेकिन कीड़ा मकोड़ा की अगर बात करोगे, मक्खियों की अगर बात करोगे, तो कई मक्खी ऐसा होता है जिसका बहुत अधिक आंख होता है। तो अधिक आंखों का होना क्या कहलाता है, पोलियोपिया कहलाता है। हैविंग मेनी आईज, जिसमें बहुत अधिक आंख हो वो पोलियोपिया कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है पोलीथिस्ट। अब अच्छी तरह से जानते हैं पोली मीन्स क्या होता है, अधिक, पोली मीन्स अधिक, मेनी। थिस्ट एक्चुअली टर्म है, थिस्ट वर्ड यूज होता है गॉड के लिए, तो थिस्ट मीन्स गॉड, ईश्वर, नहीं तो पोली मीन्स मेनी, थिस्ट मतलब गॉड। तो पोलीथिस्ट क्या है, तो याद रहे बिलीवर ऑफ मेनी गॉड्स। तो ऐसा व्यक्ति जो अधिक भगवान पर, अधिक गॉड पर विश्वास करे, वो क्या कहलाएगा, पॉलीथिस्ट कहलाएगा। तो बिलीवर ऑफ मेनी गॉड्स,
अधिक ईश्वर पर, बहुत अधिक ईश्वर पर विश्वास करने वाला क्या कहलाता है, पॉलीथिस्ट कहलाता है। यहीं पर आप एक टर्न देख सकते हैं कि कोई अगर एक भगवान पर विश्वास करता है, अगर कोई सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान पर विश्वास करता है, तो एक के लिए हम लोग कौन सा रूट वर्ड यूज करते हैं, मोनो। तो इसमें आप अटैच कर दो मोनो, हो जाएगा मोनोथिस्ट, जो सिर्फ एक भगवान पर विश्वास करता है ना, इसमें अटैच कर दीजिए मोनो, मोनोथिस्ट हो जाएगा। मोनोथिस्ट मतलब हुआ बिलीवर ऑफ वन गॉड। नहीं, अगर दो भगवान पर कोई विश्वास करता है, बस इसमें डाई अटैच कर दीजिए, डाइथिस्ट। तो बिलीवर ऑफ टू गॉड्स, जो केवल दो भगवान पर विश्वास करता है। ट्राइथिस्ट कर दीजिएगा, तो बिलीवर ऑफ थ्री गॉड्स, जो तीन भगवान पर विश्वास करता है। और उसी तरह पॉलीथिस्ट अगर कर दीजिएगा तो बिलीवर्स ऑफ मेनी गॉड्स। तो ओवरऑल आप लोग समझ पा रहे हो कि थिस्ट का मतलब होता है गॉड, पॉली मतलब होता है अनेक, पॉलीथिस्ट मतलब अनेक भगवान पर विश्वास करने वाला, मोनोथिस्ट मतलब एक भगवान पर विश्वास करने वाला, डाइथिस्ट मतलब दो भगवान पर विश्वास करने वाला, ट्राइथिस्ट मतलब तीन भगवान पर विश्वास करने वाला, ऑक्टाथिस्ट मतलब आठ भगवान पर विश्वास करने वाला। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ही इजी है, रूट वर्ड के मदद से हम लोग अधिक से अधिक वर्ड का भी निर्माण कर सकते हैं, साथ ही साथ वर्ड को याद करने का बहुत अच्छा माध्यम भी है रूट वर्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है पॉलीगेमी, पॉलीगेमी। तो चलिए पॉलीगेमी में देखिए, पॉली मीन्स क्या होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी, गेमी एक्चुअली, ये जो गेमी टर्म है ये एक्चुअली मैरिज के लिए यूज हुआ है, याद रखेंगे। तो पॉली मीन्स मेनी, गेमी जो टर्म है ये किसके लिए यूज हुआ, मैरिज के लिए। तो पॉली मीन्स मेनी, गेमी मीन्स मैरिज। तो हु बिलीव्स इन मेनी मैरिज, या बोल सकते हैं कि बहुत अधिक शादी पर जो विश्वास करता है, या जो अधिक शादी करता है, या जो एक से अधिक पत्नी रखता है। तो याद रहे हैविंग, हैविंग मोर देन वन वाइफ। तो याद रहे हैविंग मोर देन वन वाइफ, एक से अधिक वाइफ का रखना एक्चुअली पॉलीगेमी कहलाता है, या जो एक से अधिक पत्नियां रखता हो, या जो अधिक शादी पर विश्वास करता है, या जो अधिक शादी करता है, वो एक्चुअली क्या है, पॉलीगेमी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे हम लोग, पॉलीग्लॉट। देखिए इसमें पॉलीग्लॉट इज मेड बाय टू वर्ड्स एक्चुअली, पॉली प्लस ग्लॉट। पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, पॉली मीन्स मेनी। तो याद रहे यहां पर पॉली मीन्स क्या हो गया, मेनी। ग्लॉट टर्म जो है ये एक्चुअली यूज हुआ है लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए। तो पॉली मीन्स मेनी, ग्लॉट मीन्स लैंग्वेज, भाषा। तो हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत अधिक भाषा जानता है वो पॉलीग्लॉट है, मतलब जो एक से अधिक भाषा जानता है वो पॉलीग्लॉट है। तो हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो अधिक लैंग्वेज जानता है वो पॉलीग्लॉट है, क्योंकि पॉली मीन्स मेनी, ग्लॉट मीन्स भाषा, तो बहुत भाषा, जो बहुत भाषा जानता है वो पॉलीग्लॉट है। याद रखेंगे आज के बाद आपके सामने अगर कोई व्यक्ति आएगा और आने के बाद वो तुरंत एकदम कभी हिंदी बोलेगा, कभी इंग्लिश बोलेगा, कभी फ्रेंच बोलेगा, कभी लैटिन बोलेगा, कभी जर्मन बोलेगा, तो आप समझ जाना कि ही इज नॉट ए नॉर्मल पर्सन, वो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, इज अ पॉलीग्लॉट, वो एक पॉलीग्लॉट है। पॉलीग्लॉट कौन है, हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, कुछ लोग सिर्फ एक भाषा जानता है, वो क्या कहलाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये पॉली के जगह एक के लिए कौन सा रूट वर्ड आप लोग जानते हैं, तो याद रहे मोनो। तो मोनोग्लॉट वर्ड यूज नहीं होता है, इसके लिए हो जाएगा मोनोलिंगुअल। मोनो मीन्स एक, लिंगुअल एक्चुअली लैंग्वेज से आया, तो मोनो मीन्स एक, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, जो एक भाषा जानता है वो मोनोलिंगुअल है, याद रखेंगे। मोनोलिंगुअल मतलब जो एक भाषा जानता है, हु नोज ओनली वन लैंग्वेज, तो जो केवल एक भाषा जानता है वो मोनोलिंगुअल है, जो दो जानता है तो डाइलिंगुअल हो जाएगा, सॉरी बाइलिंगुअल होगा, सॉरी बाइलिंगुअल, जो दो भाषा जानता है वो बाइलिंगुअल कहलाएगा। हु नोज टू लैंग्वेजेस,
वो जो दो भाषा को जानता है वो बाइलिंगुअल कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आज का हमारा रूट वर्ड था पोली। पोली मीन्स होता है मेनी, बहुत। तो पोली वर्ड जिस भी वर्ड में अटैच होगा वो बहुत से संबंधित होगा। याद रहे पोली मीन्स बहुत, गोन मतलब होता है साइड। तो बहुत अधिक साइड होने पर, बहुत अधिक जो फिगर का, जिस फिगर में अधिक भुजा हो वो पॉलीगोन कहलाएगा। पॉलीनोमियल, पॉलीमिन से बहुत, नोमियल मतलब नाम, बहुत नाम वाला जो है वो पॉलीनोमियल कहलाता है। एक ही चीज का अगर ढेर सारा नाम हो वो पॉलीनोमियल होगा। पॉलीएंड्रियम है, पॉली मतलब बहुत, एंड्री एक्चुअली वर्ड आया है मैन के लिए। तो बहुत अधिक मर्द जाति का होना पॉलीएंड्रियम कहलाता है। एक्चुअली ऐसा जगह प्लेस जहां पर केवल बहुत अधिक मर्द लोग बैठते हैं वो पॉलीएंड्रियम कहलाता है। ये एक तरह से ब्यूरियल ग्राउंड को भी कह सकते हैं जहां पर केवल मर्दों को दफनाया जाता है, वो पॉलीएंड्रियम कहलाएगा। पॉलीस्कोप, पॉली मतलब बहुत, स्कोप मतलब व्यू। तो याद रहे नजारा, बहुत अधिक नजारा को जो दिखाए वो पॉलीस्कोप है। एक्चुअली पॉली पॉली है मतलब सेलर्स का बहुत अधिक हो जाना, बहुत बहुत, जब बहुत बहुत सेलर्स हो जाए, बेचने वाला हो जाए, वो पॉली पॉली कहलाएगा। पॉलीस्टियोटिक का मतलब होता है मतलब बहुत अधिक बोन हो जाना, हैविंग मेनी बोन्स शरीर में। एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो पॉलीस्टियोटिक नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में हड्डियों की संख्या अधिक होगा मतलब एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो पॉलीस्टियोटिक कहलाएगा। जैसे ऋतिक रोशन जो पॉलीस्टियोटिक, याद रखेंगे। पोलियोपिया, याद रहे अधिक आंख। पोली पोली मतलब बहुत, ओपिया मतलब आंख होता है। तो ऐसा प्राणी जिसमें बहुत ज्यादा आंख हो वो पोलियोपिया कहलाएगा। पोलीथिस्ट, पोली मतलब बहुत, थिस्ट मतलब, थिस्ट मतलब होता है गॉड, बहुत अधिक गॉड पर विश्वास करना पोलीथिस्ट है। एक पर विश्वास करना मोनोथिस्ट है। याद रहे दो पर विश्वास करना जो है डाइथिस्ट है। तीन पर विश्वास करना ट्राइथिस्ट है। पॉलीगेमी देखिए क्या है, पॉली मतलब बहुत, गेमी मतलब होता है मैरिज, बहुत अधिक शादी पर जो विश्वास करता है, जो अधिक पत्नी रखता है वो पॉलीगेमी है, याद रहे। अगला है पॉलीग्लोट, पॉली मतलब बहुत, ग्लोट मीन्स लैंग्वेज, जो बहुत ज्यादा भाषा जानता है वो पॉलीग्लोट है, जो एक जानता है वो मोनोलिंगुअल है, जो ज्यादा दो जानता है वो बाइलिंगुअल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाई पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। और मेरे पढ़ाने को लेकर आप में, आपको लगता है कि सर को फलाने चीज में सुधार कर लेनी चाहिए, तो सर का तरक्की हो जाएगा, सर बेहतर हो जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चाहे वो पॉजिटिव बात हो या नेगेटिव बात हो, मैं सभी को एक्सेप्ट करता हूँ, करूंगा। एंड प्लीज शेयर माई वीडियोज अपने फ्रेंड्स के साथ, आप शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।